जय श्री महाराज। मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। 12:30 की कुछ प्लानिंग है मेरे पास, प्लानिंग दिखाता हूँ बाहर से, ठीक है। अब चल रहे अपन शिवान सिटी में, ठीक है। ये देखो नाम लिखा हुआ शिवान सिटी और ये उसका गेट और ये सामने टोयोटो का अंदर शोरूम और ये अंदर की गलियाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया प्लानिंग है इस कॉलोनी के भी। रोड भी छोटे छोटे रोड है और भैया पूरा कवर्ड कैंपस आता है, मंदिर है इसमें, दिखाता हूँ किधर आएगा। ये सामने मंदिर, स्पीड ब्रेकर भी है और जय हो बाबा। यहाँ से चले अपन अंदर, तो सबसे अच्छी बात तो ये है इस कॉलोनी की, यहाँ पे सब पूरब और पश्चिम के प्लाट आपको देखने को मिलेंगे। और 12:30 का एक और बढ़िया डुप्लेक्स मकान लेकर के आया हूँ आपके लिए। प्लानिंग आप देख लो, बढ़िया सी प्लॉट हमारे पास रखा हुआ है, सेम प्लानिंग बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि ये मकान जो है, अब क्या है इसका मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये फ्रंट पर जाएंगे अपन अंदर, तो सबसे पहले 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स का यूज़ किया है इसमें। यहाँ पर अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, एक बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये रेलिंग स्टील की रेलिंग्स है और जो ग्रिल वगैरह है वो लोहे की ग्रिल लगी हुई है। दरवाजे की बात करें तो बढ़िया सा एक अच्छी डिज़ाइन वाला दरवाजा है इसमें। फ्रंट में ये मच्छर जाली वाला जो बोलते हैं अपन फ्लश डोर, वो है, ये इससे चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। फिर एक मेन डोर फ्लश डोर है, बिल्कुल ब्राउन कलर का है। उसके बाद अंदर अपन जैसे हॉल में प्रवेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्लानिंग रहेगी। ये अपना पीओपी का काम हो गया, हॉल की साइज बढ़िया साइज है और टाइल्स का पैटर्न भी जो है बहुत ही बढ़िया लगाया है इसमें। विंडो की बात करें तो बढ़िया सी एल्यूमिनियम की ग्रिल विंडो लगाई है, 3 ट्रैक वाली, 18 mm के गेज में है। इसमें ये जो है ये पार्टी ने खुद बनवाया है अलग से पैसा देके। टीवी पैनल, ये एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद कुछ दीवार देखो आप, है दीवार, जस्ट पीछे उसके एक टॉयलेट जो कि इंडियन टाइप की टॉयलेट है और फुल दीवार पे इसमें वॉल टाइल लगाई हुई है। जस्ट इसके पास में एक छोटा सा वॉश एरिया जहाँ पर सिंक है हाथ वगैरह धोने के लिए, यहाँ पर आपका ग्लास लग जाएगा इस एल शेप में। ये अपना हो गया बाथरूम, तो इस प्रकार बाथरूम में जो है डायवर्टर लगे हुए हैं, इधर ग्रेनाइट की शेल्फ्स वगैरह। उसके बाद सबसे सेकंड नंबर पे जो पार्ट आता वो आता किचन का। किचन में जो है हमने क्या प्रोवाइड करवाया था, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइट के पार्टीशन किए थे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइट के पार्टीशन किए थे और फिर पार्टी ने अलग से पैसा देके पूरा मॉड्यूलर किचन उसे बनवा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बढ़िया सा वर्क भी हुआ है उनका किचन बनाने में। सिंक की बात करें तो ये रहा एक नल का और एक मोटर का पानी। उसके बाद ये ओपन और अभी सामान, अब सामान दिख गया तो देख लो कि क्या कैसा काम करते हैं हम। नहीं, सारा एशियन पेंट एपेक्स के ही पेंट का यूज़ किया है। नहीं, हम बोले कि यार हमने तो ये लगाया, आप मानोगे थोड़ी नहीं सही है। ये शेल्फ हो गई, बढ़िया। यहाँ पे लग जाएगी चिमनी, चिमनी अगर लगाना चाहे पार्टी सामने, तो गैस कनेक्शन भी हो चुका है इसका, अंदर तक आ गई है गैस लाइन ऊपर से आके। फिर अंदर चलते अपन बेडरूम में, बेडरूम में पीओपी का वर्क कुछ इस प्रकार से। चारों तरफ लाइटें लगी हुई है छत में, अभी लाइट का कनेक्शन नहीं लिया। ये यहाँ पर अलमीरा भी हमने जो है ये जो शेल्फ देखा ना, सारी पत्थर की शेल्फ है, ये पत्थर की शेल्फ है और दीवार पे सिर्फ फर्नीचर का वर्क होके दरवाजा लगा है। बताओ है मजबूत काम, ना कभी सड़ेगी ना कभी गलेगी, इस प्रकार से। ये वेंटिलेशन जालियाँ वगैरह सब जब हैंड ओवर करते हैं तो सब दे देते हैं साथ में।
तो भैया कुछ इस प्रकार की प्लानिंग है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके संपर्क कर लें। ऐसी प्लानिंग अगर चाहिए, इसके जस्ट पास में अभी प्लांट बताया हमने, अगर हो तो जल्दी से दे देंगे, ठीक है।